तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज धनतेरस की पूजा के लिए मेरे पास ये सिंपल सी बांधनी की एक हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज धनवंतरी की प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप सभी स्वस्थ रहे। और प्रार्थना करूंगी और हम सबके लिए भी यही प्रार्थना करूंगी कि हम सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। अभी मैं करूंगी दीपक की पूजा, क्योंकि आज धनतेरस है तो आज से हम दिए लगाएंगे। तो पहले हम इनकी पूजा करेंगे। आपने देखा होगा मैंने सुबह से इन्हें पानी में भिगा के रखा था, वो सारा प्रोसेस आपने देखा ही होगा। तो बस अभी हम पूजा करेंगे और सारे घर में दीपक लगाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की धनतेरस की पूजा। तो एक बार आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज धनतेरस की पूजा के लिए मेरे पास ये सिंपल सी बांधनी की एक पिंक कलर की, मैंने मैजेंटा पिंक कलर की एक साड़ी पहनी है। और मैंने पहन ली है बैंगल्स, देखिए कैसी लग रही है मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताना। और बस नेल पेंट लगा लिया मैंने अपने उंगलियों पे, और इयर रिंग्स पहन ली है, और एक बिंदी लगा ली है मैंने, सेम मैजेंटा पिंक कलर की बिंदी भी मैंने लगाई है। और बस अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ आज धनतेरस की पूजा के लिए। तो मैंने सुबह ही दिए वगैरह भिगा दिए थे, देखा था ना आपने। तो इस तरह से आपको दिए भिगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही तेल अगर डालेंगे इस दिए में तो सारा तेल को सोक कर लेगा दिया और लीक करेगा। तो इसीलिए पहले पानी में डालना बहुत ज़रूरी है दिए को। और बस इस तरह से अब मैंने सारे दिए लगा दिए और अब मैं इसकी पूजा करूंगी, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी। और फिर उसके बाद में सारे दिए इनके स्थान पे रखूंगी, जहाँ अलग अलग स्थान हम जहाँ पे दिए हमें रखना चाहिए। तो पहला एक दिया तो मैं रखें लक्ष्मी जी के पास में, और दूसरा दिया मैं रखूँगी तुलसी जी के पास में, और तीसरा दिया रखूँगी जहाँ पानी का हमारा स्थान होता है किचन में, यानी जहाँ हम पानी भर के रखते हैं मटकी में या घड़े में, तो वो स्थान पे एक दिया रखा जाता है। और फिर उसके बाद में जो हमारा मेन डोर होता है, मेन एंट्रेंस, तो वहाँ पे मैं दो दिए लगाऊंगी। तो इस तरह से आज ये पांच दिए मैं अपने घर में लगाऊंगी। और अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी दिए लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नियम नहीं है, सब अपने अपने तरीके से मना सकते हैं हम धनतेरस। बस पूजा करना ज़रूरी होता है, दिए लगाने ज़रूरी होते हैं, अब कितने लगा रहे वो ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आज के दिन ना कुछ खरीदी करनी चाहिए, यानी कुछ अच्छी शुभ चीज़ लेके घर में आनी चाहिए। तो हम लोग ना चांदी लाना ही प्रीफर करते हैं, तो देखते हैं अभी आज चांदी में क्या आइटम आती है घर में। तो अब मैं यहाँ तुलसी जी के पास में स्वस्तिक बना दी हूँ, और यहाँ पर मैं एक दिया रखूँगी इनके पास में। तो देखिए ये मेरे घर की तुलसी जी है, जिनकी मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ, और अभी कार्तिक मास है ना, तो इनकी विशेष पूजा होती है तुलसी जी की। और फिर यहाँ पे जो पीने का पानी हम रखते हैं उस स्थान पे मैंने एक दिए की स्थापना कर दी है। तो यहाँ पे ना रोज़ अभी दिवाली लाभ पांचम तक हमें रोज़ यहाँ पे दिया लगाना चाहिए सारी जगहों पर। और ये मेरा मेन डोर है, तो मेन डोर के पास में भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था अच्छे से जगह, और फिर अब मैंने यहाँ पे भी स्वस्तिक बना दिया है, और यहाँ पे भी मैं दोनों तरफ एक एक दिया रखूँगी। और ये वेगस ना आज बहुत डर रहा है, क्योंकि पटाखों की आवाज़ इतनी आ रही है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, टेबल के नीचे छुप जा रहा है। और ये देखिए अभी ना घर में लेकर आ गए थे, मैं अभी आपको बहुत लेट दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद में ना मैंने बहुत सारे काम निपटा है। तो ये एक चांदी का चम्मच जो हम लेकर आए हैं हमारे ठाकुर जी के लिए, जब हम पूजा करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।